गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वी आर डूइंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. टू विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज द रबर बिलोंग्स टू. इसका ऑप्शन है डी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन. क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है वो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ऑप्शन डी. Then, cinchona trees are found in areas of rainfall more than, option A, 100 centimeter. Then, question number three, in which of the following state of simply biosphere is located? Answer hai Odisha. That is option C, Odisha, option C. Then question number four hai, which of one of the following bio reserve of India is not included in the world network of bio reserves? Answer hai Manas, yani ki answer option A. Option A is answer. Okay. नाउ विल कम टू द वो उन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो ब्रीफली हमें आंसर करने हैं. डिफाइन एन इकोसिस्टम, डिफाइन एन इकोसिस्टम. इसका आंसर है ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स in an area are interdependent on each other the plants and animals interdependent with each other the plants and animals along with their physical environment along with their physical environment make the ecosystem. Interrelation with plants and animals in the natural environment is called ecosystem. So what is ecosystem? जहाँ पर plants and animals they live together and they are interdependent to each other and having an interrelation with each other is called ecosystem. Is it clear? Then question number two, what are the factors responsible for distribution of plants and animals in India? What are the factors responsible for the distribution of plants and animal in India? Following are the factors responsible for the distribution of plants and animals in India are first A है relief, A है relief, land and soil, then B है climate, temperature, humidity, photoperiod and precipitation. So these are the factors which are and precipitation.
मैं एक बार रिपीट करती हूँ, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड एंड पर्सिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बायो रिजर्व एंड गिव टू एग्जांपल्स, गिव टू एग्जांपल्स। बायो रिजर्व्स आर द लार्ज एरिया, बायो रिजर्व्स आर द लार्ज एरियाज वेयर वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरमेंट आर वेयर वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरमेंट आर कंजर्व्ड टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। टोटल नंबर ऑफ बायो रिजर्व्स इन इंडिया आर 14। टोटल नंबर ऑफ बायो रिजर्व्स इन इंडिया आर 14। फॉर एग्जाम्पल, सुंदरबन बायो रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन बायो रिजर्व्स इन वेस्ट बंगाल एंड नंदा देवी बायो रिजर्व इन उत्तराखंड। सुंदरबन बायो रिजर्व इन वेस्ट बंगाल एंड नंदा देवी बायो रिजर्व इन उत्तराखंड, उत्तराखंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। नेम टू एनिमल्स हैविंग, नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एनिमल्स एलिफेंट एंड टाइगर, माउंटेन एनिमल्स स्नो लैपर्ड एंड स्पॉटेड डियर। ट्रॉपिकल एनिमल्स आर टाइगर एंड एलिफेंट, माउंटेन एनिमल्स स्नो लैपर्ड एंड स्पॉटेड डियर। बाकी और के एग्जांपल आप बुक से भी देख सकते हो, माउंटेन एनिमल्स के स्नो लैपर्ड एंड स्पॉटेड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। आप इसको दो कॉलम में खींच सकते हैं, फ्लोरा मींस द प्लांट स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, द प्लांट स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फ्लोरा। द प्लांट स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फ्लोरा। फौना, द एनिमल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड आर कॉल्ड फौना। द एनिमल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फौना। द एनिमल स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड
फौना। फ्लोरा में आप लिख सकते हैं प्लांट किंगडम, और फौना में आप लिख सकते हैं एनिमल किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिक और ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। डेसिडस की स्पेलिंग है DECIDUOUS। पहला है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। पहला पॉइंट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। उधर लिखेंगे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। मॉनसून, द मॉनसून फॉरेस्ट। सेकेंड पॉइंट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का सेकेंड पॉइंट, सिंस द रीजन इज वार्म, सिंस द रीजन इज वार्म WARM एंड वेट, एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर and wet throughout the year. There is no definite time for trees to shed their leaves, to shed their leaves. फिर वहां लिखेंगे, the trees shed their leaves for all about, the trees shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer, in dry summer. थर्ड पॉइंट पे आएंगे, लिख ले सबने, थर्ड पॉइंट पे आएंगे, एग्जाम्पल्स, ऑफ वेजिटेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेशन। महोगनी, रब महोगनी, MAHOGANY, कॉमा, रबड़, रोजवुड, रबड़, रोजवुड। वहां पे देंगे सेकंड कॉलम में एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेशन, टीक, टीक टीक, कॉमा, बैम्बू, सैंडलवुड, पीपल एंड नीम। फिर आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे, कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, कॉमन एनिमल्स found in these elephants, in these forests are elephants and monkeys. तो लिखेंगे, common animals found in these forests are lions and tigers.
लायंस एंड टाइगर्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, प्रेजेंट इन एरियाज रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। देन उधर लिखेंगे प्रेजेंट इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, प्रेजेंट इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस फाउंड इन इंडिया एंड आंसर फोर है बुक का, क्वेश्चन फोर, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। आंसर लिखेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया आर, फाउंड इन इंडिया आर फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट, फिफ्थ मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स, वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। फर्स्ट पॉइंट एल्पाइन वेजिटेशन, ALPINE एल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड, Alpine vegetation is found at places over 3600 meter in height, 3600 meter in height. Second point, the trees common in these forests are, the trees common to these are silver fir, SILVER, silver fir, junipers, JUNIPERS, comma pines, PINES, and birches, BIRCHES. The trees get, third point, the trees get stunned as they reach the snow line. The trees get stunned, STUNTED,
एज दे रीच द स्नो लाइन. देन नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर शर्ब्स एंड स्क्रब्स इन दिस एरिया. देयर आर शर्ब्स एंड स्क्रब्स इन दिस एरिया. Which merge into alpine grasslands. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन बोले क्वाइट अ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्वाइट अ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, व्हाई. आंसर है, फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स are endangered in India. Because of first increasing population. Increase in population. B. Second, urbanization and industrialization. Third, large scale deforestation. Fourth, pollution. Fifth, hunting for pleasure. And commercial purpose. Question number 6. Why has India a rich heritage of flora and fauna? पहले लिखो, इंडिया हैज रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौरा. ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. First, due to different relief features, like mountains, plateaus, plains, etc. Due to different relief features like mountains, plateaus, plains, etc. Second point, different types of vegetations are found in
different type of vegetation are found in these regions. Different type of vegetation are found in these regions. Third, the vegetation support different type of animals. Then next, India has variation in climatical conditions. India has variation in climatical conditions. Like temperature and humidity. And humidity. Next, India has a monsoon type of climate. India has monsoon type of climate where rainfall varies from 20 cm to 300 cm 20 cm to 300 cm Next day, there is variation in the duration of sunlight also. There is variation in duration of sunlight also at different places. At different places due to differences in latitude and altitude. Now there is a map skill given in your book. पहला है जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े उनको मैप दिखाई दे सकता है. पहला जो मैप आपको फिल करना है एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट्स में, असम में एंड वेस्ट ऑफ बंगाल. ठीक है, सम ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका एरिया ऑफ ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू नेशनल पार्क इन नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री. तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न कर रहे हैं बच्चों कि नॉर्दर्न में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं. एक है दचीगम और राजा जी. दचीगम इन जम्मू कश्मीर एंड राजा जी इन उत्तराखंड. नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं हम, तो नेशनल पार्क एक जम्मू कश्मीर में कौन सा है दचीगम, और उत्तराखंड में क्या है राजा जी नेशनल पार्क. फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न में,
ईस्टर्न में दो नेशनल पार्क लगाने हैं आपको, एक है मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, बोथ इन असम। फिर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न पार्ट में आपका है रणथंबोर एंड गिर फॉरेस्ट। देन आपके साउथ पार्ट में बेंडीपुर, BANDI, इट इज इन केरल, बेंडीपुर, BANDIPUR। देन गुंडी, GUINDY इन तमिलनाडु, GUINDY इन तमिलनाडु। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को क्लियर है? जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको क्लियर हो गया? ओके, तो इट मींस आपका सेकेंड टर्म का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे MCQs तो आएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे इन वाले चैप्टर्स में थ्योरी भी आएगी आपकी। फर्स्ट टर्म में आपकी थ्योरी नहीं आनी, आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर करना है, बट इन योर सेकेंड टर्म योर आंसर विल बी इन थ्योरी पार्ट ऑल्सो, जो मैंने आपको पूरी तरह से करा दिए हैं। एंड आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ भी आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो जब हम चैप्टर को लर्न करते हैं, देखो नेचुरल वेजिटेशन को लर्न करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, ठीक है। फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स दे लिव टूगेदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। जब इकोसिस्टम का एरिया लार्ज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है ना, कल बताया था मैंने आपको। तो जब इकोसिस्टम का एरिया लार्ज हो जाता है तो उसको हम बायोम कहते हैं, ठीक है। फिर आपने, जब आपको इकोसिस्टम याद हो गया, पहले आपको नेचुरल वेजिटेशन याद हो गई, फिर आपको इकोसिस्टम याद हो गया, फिर आपको याद करना है फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है ना। फ्लोरा क्या होता है? एनिमल प्लांट किंगडम है, जहाँ पे सारी स्पीसीज प्लांट की रहती हैं, ठीक है। और उधर आपका फौना क्या है? एनिमल किंगडम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है? टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या है? तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपकी 5 तरह की टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, और उन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में भी उनके क्लाइमेटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनका सर्वाइवल है ना। फिर आपको क्या बताना है कि जो क्या फैक्टर है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि हमारी कंट्री में फ्लोरा एंड फौना डाइवर्स है, एक जैसा नहीं है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। रिलीफ में क्या आएगा? लैंड आ जाएगा, और उधर आप उधर क्या आ जाएगा, दूसरे में क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, है ना, ये सारी चीज़ें। अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है तो क्या होगा? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेनफॉल ज़्यादा होगी उसमें, है ना। और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, तो क्या हो जाएगा? पानी लेस रेनफॉल होगी और जो वेजिटेशन है वो भी स्कैटर्ड हो जाएगी। तो हम क्या पढ़ेंगे कि स्कैटर्ड टाइप ऑफ जो वेजिटेशन होती है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? स्कैटर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पाई जाएगी? थॉर्नी ब्रश एरिया में पाई जाएगी, फॉरेस्ट एरिया में पाई जाएगी, दैट इज डेजर्ट एरिया, है ना। तो वहाँ पे जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो स्कैटर्ड होती है, वो डेंस नहीं होती है, ठीक है। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई होती है। और जो वेजिटेशन होती है वहाँ की, कहाँ की, थॉर्नी फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन होती है वो सकलेंट होता है उसमें, है ना। सकलेंट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो कि वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो उनकी रूट्स होती है वो डीप बीनीथ चली जाती है, ताकि वो जो रूट्स हैं वो अपने आप ही वाटर को क्या कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, और उनका सर्वाइवल खुद ही हो जाता है। इनका उन जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैक्टस होता है ना, नागपनी आपने देखा होगा, कैक्टस जिसमें कि कांटे लगे होते हैं, तो वो अपने आप सर्वाइव करते हैं, उनको पानी देने की क्या नहीं है जरूरत है, चाहे मतलब सर्वाइव इन सेंस कि जब लेस वर्षा भी है तो भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। वहाँ पर वर्षा ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी क्या है,
ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी क्या है, लेस है, इसलिए ऐसे एरिया में स्केंटी ट्रीज होते हैं और यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो खुद ही जो उनकी रूट्स होती है वो ही प्लांट को वाटर को ऑब्जर्व कर लेती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम जो करते हैं कि भाई जो हमारे ये चैप्टर है, हम सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों के संग आती है, हम उसको लर्न कैसे करें। तो जब आप उस चैप्टर का टेबल बना लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया। टेबल कैसे बनाओगे, पहले क्या बताओगे, नेचुरल वेजिटेशन लिखो नहीं उसको, पहले आप क्या बनाओगे, एक यू कैन से मैप माइंड टाइप का बना लो, कि पहले लिखा आपने नेचुरल वेजिटेशन, फिर आपने लिखा इकोसिस्टम, फिर आपने लिखा फ्लोरा एंड फौना, फिर आपने लिखा उसके फैक्टर्स, फिर आपने लिखा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, है ना। तो ये पांच चीज़ें हैं, फिर आप लिखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंस इज व्हाट, क्या होगा इसकी इम्पोर्टेंस, क्या होगी फ्लोरा एंड फौना की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी कंट्री में। अगर फ्लोरा एंड फौना, अगर मान लो फ्लोरा आपका जो है फ्लोरा है, अगर एनिमल्स ही नहीं होंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो इट मीन्स दे इट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस और ग्रेट इम्पैक्ट इन इंडिया। हाउ मेनी प्लांट एनिमल स्पीसीज इंडिया में है, 89,000 है। हाउ मेनी प्लांट स्पीसीज इन इंडिया, 47,000 स्पीसीज इन इंडिया। हाउ मेनी बर्ड्स स्पीसीज इन इंडिया, 1200 बर्ड स्पीसीज इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता। अच्छा देखो, नेचुरल हैबिटाट क्या होता है, नेचुरल हैबिटाट हम बर्ड पढ़ते हैं ना, नेचुरल हैबिटाट क्या होता है, जहाँ पे अब जो जानवर हैं क्या उनके लिए कोई पिंजरा बनाया जा रहा है, उनके लिए कोई पिंजरा तो नहीं बनाया जा रहा है ना। तो उनका नेचुरल रूप से वो लोग रहते हैं, तो जहाँ पे उनका वो उनका आवास स्थल हो जाता है, उनके लिए कोई हट थोड़े बनाई गई है, कोई झोपड़ियाँ थोड़े बनाई गई हैं, वो नेचुरल रूप से वहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल रूप से बना हुआ है उनके लिए, उनके लिए कोई वहाँ पे झोपड़ियाँ नहीं बनाई गई हैं, उनके लिए कोई झरने नहीं बनाए गए, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसमें वो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स आवासीय स्थल, किन लोगों के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए जो आवासीय जो स्थल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल हैबिटेट बोलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत से समझ में आ गया होगा बेटा। ओके okay.